हाय गाइस, वेलकम टू कोडिंग जीनियस। तो आज जो हम प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो है पास्कल्स ट्रायंगल। देखते हैं कि पास्कल्स ट्रायंगल होता क्या है। सो, ये एक ऐसा पिरामिड टाइप ग्रोइंग पैटर्न है, बट ये पैटर्न थोड़ा सा अलग है, जिसका फर्स्ट नंबर है 1, देन 1 1, 1 2 1 और 1 3 3 1। कोडिंग करने से पहले समझते हैं यार, ये पास्कल्स ट्रायंगल है क्या चीज़ और यूज़ क्या कहाँ होता है। सो, पास्कल्स ट्रायंगल इज अ ट्रायंगुलर एरे कंस्ट्रक्टेड बाय समिंग एडजेसेंट एलिमेंट्स इन द प्रीसीडिंग रोज। इसको और अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखते हैं, इट इज नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेस पास्कल, ऑल्दो अदर मैथमेटिशियन स्टडीड इट सेंचुरीज बिफोर हिम इन इंडिया, पर्जिया, चाइना, जर्मनी एंड इटली। तो यार, ऐसा कुछ वो पैटर्न होता है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 1 होता है, फिर उसका नेक्स्ट एलिमेंट 1 और 1 होता है, और उसके बाद के एलिमेंट इस तरीके से बनते हैं। देखते हैं, इसको नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं कि ये एग्जैक्टली बनता कैसे है। उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये काम कहाँ आता है। इसको NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी यूज़ करते हैं, विच इज़ अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो और बहुत सारी जगह पे पास्कल्स ट्रायंगल यूज़ होता है। तो अब देखते हैं ये एक्चुअली बनता कैसे है। सो, ऐसे बनता है यार, ये 1+1 2 होता है, फिर ये दोनों एलिमेंट्स मिलके नेक्स्ट एलिमेंट बनाते हैं, उसके ये दोनों एलिमेंट्स मिलके नेक्स्ट एलिमेंट्स बनाते हैं। यू कैन सी इन दिस GIF, ये मैंने विकीपीडिया से लिया है आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो, इस तरीके से ये पास्कल्स ट्रायंगल बनाया जाता है। अब देखते हैं कि इसका बेसिक आइडिया क्या है। तो पहले तो हम इसको रोज में डिवाइड करेंगे और थोड़े बहुत कॉलम्स में भी, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, हम इसको देखेंगे कि ये कैसे ग्रो हो रहा है, उसको एनालाइज करेंगे। अब सबसे पहला टास्क है हमारा, उसको हम पर्टिकुलर रोज में डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा वो पिरामिड है या पास्कल्स ट्रायंगल कह लो, इसको हम रोज में डिवाइड करते हैं। आई एम सेइंग रोज हियर क्योंकि हमें रोज का ही काम है, हम उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। तो दिस इज 0th रो, 1st रो, 2nd रो एंड 3rd रो। तो इसके हिसाब से हम चलेंगे, मैंने 0 लिया फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखो यार, तुम डायरेक्टली सॉल्यूशन देखने जा सकते हो, बट उससे कुछ नहीं होगा, हमें समझना पड़ेगा कि ये बना कैसे है। तो उसके लिए वीडियो पूरा देखो। सो, इसमें देखो, सबसे पहली बात जो हमें जाननी है वो है स्पेसिस। तो यहाँ पे देखो, पहले 3 स्पेसिस प्रिंट हो रहे हैं, फिर 2, फिर 1 और फिर 0, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो हम पहले 0th रो में जाएंगे। अरे समझो यार, एक फॉर लूप होगा इसमें, तो नेस्टेड फॉर लूप यूज होने वाला है। तो जो पहला फॉर लूप होगा, इट विल काउंट द नंबर ऑफ रोज जो कि होंगे 0, 1, 2 और 3, और जैसे ही वो 0th रो में जाएगा तो सबसे पहले हमें 3 स्पेस प्रिंट करने, फिर नंबर प्रिंट करना है, ये हमारा आइडिया होगा। अब स्पेसिस प्रिंट करने, तो ऐसे तो प्रिंट नहीं कर सकते, हमें कुछ एक जनरल स्ट्रक्चर चाहिए होगा, जनरलाइज्ड फॉर्म चाहिए होगा। तो जनरलाइज्ड फॉर्म देखते हैं कैसे होगा। n-1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं ना, तो n इज द नंबर ऑफ रोज, तो जहाँ पे इस केस में 4 नंबर ऑफ रोज है, तो 4-1 3, 4-2 2, 4-3 1 और 4-4 0, विच इज लास्ट केस जिसमें एक भी स्पेस प्रिंट नहीं हो रहा। उसके बाद इसको थोड़ा सा और जनरलाइज करेंगे तो ये n-0 हो जाएगा, n-1, n-2, n-3, और ये जो वैल्यूज बढ़ रही है विच इज 0, 1, 2, 3, इसको हम i से डिनोट करते हैं, जो हमारा आउटर लूप होगा, तो इसको हम i लिख देते। तो अब ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर बन चुका है, अब हम इसको एक लूप में लगा सकते हैं और ये स्पेसिस प्रिंट कर सकते हैं। अब जैसे स्पेसिस प्रिंट होंगे, उसके बाद हमारा टास्क है इनको प्रिंट करना। अब देखो यार, हमें वो भी देखना पड़ेगा कि वो नीचे वाला फॉर लूप कितनी बार चलेगा, तो उसके लिए देखते हैं, ये हमारा आई है जो हमारा आउटर फॉर लूप है, और यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स को देखते हैं हम, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने प्रिंट हो रहे हैं। तो फर्स्ट केस में 1 डिजिट प्रिंट हो रहा है, फिर यहाँ पे 2 डिजिट प्रिंट हो रहे हैं, फिर यहाँ पे 3 डिजिट्स प्रिंट हो रहे हैं, और फिर यहाँ पे 4 डिजिट्स प्रिंट हो रहे हैं। तो इसका मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स प्रिंटिंग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे सिर्फ, मतलब कि फॉर लूप कितनी बार चलेगा। देखो, फर्स्ट केस में जब आई 0 होगा तो हम इसको कोई भी और वेरिएबल ले लेंगे, लेट इट बी के। सो के भी हमारा आई तक ही चलना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि एक ही बार चलना चाहिए 0th रो में, और हमारा 1 डिजिट प्रिंट हो जाएगा। जब दूसरा होगा तो हमारा जो हमने k लिया था ना वेरिएबल, तो k हमारा i तक चलना चाहिए। सो k 0 से लेके i तक चलेगा। सो एक बेसिक आइडिया आ गया होगा यार, काम कैसे करेगा। तो 2 डिजिट प्रिंट हो जाएंगे, फिर हम k को 0 से लेके वापस i तक चलाएंगे, तो ये 2 तक चलेगा, 0, 1 और 2, तो ये 3 डिजिट प्रिंट हो जाएंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो फिर ऐसे प्रिंट होता जाएगा यार, तो फॉर लूप बनेगा उसकी तरह। तो ये वो फॉर लूप है जो बनेगा। अब इसके अंदर क्या होगा, अब ये तो हमने जान लिया कि हाँ 1 डिजिट प्रिंट हो रहा है, फिर यहाँ पे 2 डिजिट प्रिंट हो रहा है, लेकिन ये प्रिंट कैसे हो रहा है यार, मतलब यहाँ पे 1 है, फिर 1 1 है, फिर उसके बाद 1 2 1 है, 1 3 3 1 है, तो इस पैटर्न का भी तो जनरल स्ट्रक्चर चाहिए हमें।
तो लेट मी टेल यू यार, ये जो पैटर्न का जनरल स्ट्रक्चर है इट इज़ आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस वीडियो, बिकॉज इसका जो डेरिवेशन है वो बायनोमियल थ्योरम से आता है। जिन्होंने अगेन 11th 12th में मैथ्स लिया होगा उनको पता होगा, बायनोमियल थ्योरम से इसका पूरा प्रूफ आता है। तो हम इस केस में बस वो फॉर्मूला देखेंगे और उससे समझेंगे कि ये पैटर्न कैसे काम कर रहा है, और आई अश्योर यू कि तुम्हें समझ में आएगा वो। तो इसके अंदर देखते हैं क्या भरना है, मतलब कौन सा फॉर्मूला है। तो ये कुछ ऐसा फॉर्मूला है, नम इज इक्वल टू नम इंटू आई माइनस के के प्लस वन। तो इस फॉर्मूले से ये हमारा पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। अगेन यार, ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है बाइनोमियल थ्योरम से, विच इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस वीडियो। सो उसके इससे पहले हमें नम प्रिंट भी तो करना होगा। तो इसके अंदर और एक स्टेटमेंट होगी विच इज सी आउट नम, और नम के बाद एक स्पेस। अब ये स्पेस क्यों? क्योंकि देखो हर नंबर के बाद एक स्पेस प्रिंट हो रहा है। फर्स्ट रो में नहीं हो रहा, लेकिन सेकेंड रो में और एंड उसके बाद वाले रोज में प्रिंट हो रहा है स्पेस। तो हमारा ये फॉर लूप होगा। तो अभी स्ट्रक्चर तुम्हारे थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि चलो मैं ठीक है एक्चुअल कोड कोड देखते हैं, उसके बाद थोड़ा सा और समझ में आएगा। ये रहा एक्चुअल कोड, इसको रन करके देखते हैं और उसके बाद वापस समझते हैं कि कोड एग्जैक्टली काम कैसे कर रहा है। तो चलो इसको रन करते हैं। तो ये रहा यार वो पूरा कोड, एक बार जस्ट लुक एट इट। तो अब इसको रन करते हैं। तो इट इज आस्किंग एंटर द नंबर ऑफ रोज, तो 4 डाल देते जो हमारा केस था। एंड यस, इट इज प्रिंटिंग द पास्कल ट्रायंगल विच इज 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1। और एक केस ले लेते हैं, अब की बार थोड़ा सा ट्रायंगल बड़ा ले लेंगे। डिसिंग एंटर द नंबर ऑफ रोज, तो 10 डाल देते हैं। एंड यस, हमारा वो पास्कल ट्रायंगल प्रिंट हो रहा है। अब चल के देखते हैं कि कोड एग्जैक्टली काम कैसे करता है या फिर कैसे कर रहा है। ओके, सो ये हमारा एक्चुअल कोड था। तो ये देखो जो मैंने येल्लो में लिखा है, दैट इज आउटर फॉर लूप, जो कि 0 से लेके लेस देन एन तक चलेगा। एन इज द नंबर ऑफ रोज हियर। उसके बाद यहाँ पे जो एक इनर फॉर लूप है विच इज इन ब्लू कलर, वो हमारा स्पेस प्रिंट करेगा, और उसके बाद जैसे ही स्पेसिस प्रिंट होंगे रेड वाला फॉर लूप स्टार्ट हो जाएगा और हमारे नंबर्स प्रिंट कर देगा, जैसे मैंने पहले समझाया था। अब हमें इसी पूरे पार्ट को समझना है, थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इसको। तो ये हमारा वो ब्लॉक है जिसके अंदर हमें सब कुछ प्रिंट करना है, और ये हमारा वो कोड है। तो पहले देखते हैं फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, और आई प्लस प्लस, एन यहाँ पे है 4। तो हाँ, वो 4 से छोटा है तो हम अंदर आ जाएंगे। तो मैंने तो इसको चेंज कर लिया है पहले, यहाँ पे आई इज लेस देन 4, तो एन की वैल्यू चेंज हो गई है, और आई इज इक्वल टू 0, सो आई इज लेस देन 4, तो हम कंडीशन ये सेटिस्फाई हो जाएगी और हम अंदर आ जाएंगे। सो उसके बाद है यहाँ पे एक इंट नम विच इज इक्वल टू 1। अब ये इसलिए किया है क्योंकि तुमने ध्यान से देखा होगा कि पैटर्न का फर्स्ट एलिमेंट 1 ही है, 1 1 1 1 2 1 और 1 3 3 1। सो स्टार्टिंग हमारी 1 से ही हो रही है, तो जैसे ही फॉर लूप स्टार्ट होगा स्टार्टिंग में ही हमें नम को 1 से इनिशियलाइज कर देना होगा। तो हमने यहाँ पे 1 से इनिशियलाइज कर दिया इसको, तो हम ब्लॉक भी ले लेते, थोड़ा सा इजी होगा, और साथ में एक आई का भी ब्लॉक ले लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0 0, जे इज लेस देन एन माइनस आई माइनस 1। तो एन है हमारा यहाँ पे 4, तो 4 माइनस 0 माइनस 1 विच इज 3, तो जे इज लेस देन 3, इसका मतलब ये लूप चलेगा 3 बार और हमारे 3 स्पेस प्रिंट हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा वैल्यू चेंज करते हैं, तो यहाँ पे जे इज लेस देन 3, और उसके बाद यहाँ पे ये 3 स्पेसिस प्रिंट हो गए। उसके बाद ये फॉर लूप चलेगा विच सेज फॉर इंट के इज इक्वल टू 0, के इज लेस देन इक्वल टू आई। सो देखो यार, यहाँ पे ये आई आई है, तो उसके बाद मतलब ये आई तक चलेगा, तो आई की वैल्यू है 0। सो ये फॉर लूप 0 तक चलेगा, मतलब एक बार चलेगा, और सी आउट हमारा क्या होगा, नम, तो नम की वैल्यू है 1। तो यहाँ पे जो हमने इनिशियलाइज की थी उसके बाद हमने ये 1 डाल दिया, और उसके बाद एक स्पेस प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पे स्पेस भी प्रिंट कर दिया। उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेटमेंट है नम, लेकिन हमें ये नम अभी एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फॉर लूप एक ही बार चलेगा, उसके बाद फॉर लूप चलेगा नहीं, और जब दूसरा फॉर लूप चलेगा वापस नम की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो उसके बाद एक स्टेटमेंट है सी आउट एंड एल, इसका मतलब कि हम नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे और उसके बाद ये लूप खत्म हो जाएगा, उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 1, तो सिमिलरली मैंने यहाँ पे भी वैल्यूज अपग्रेड कर दिए है, जे इज लेस देन 2 और के इज लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 2 स्पेसेस प्रिंट हो जाएंगे, ये स्पेस वाला तो समझने की जरूरत है नहीं शायद। उसके बाद यहाँ पे ये लूप स्टार्ट हो जाएगा और हमारा सी आउट हो जाएगा नम, और उसके बाद एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा, तो ये 1 और स्पेस। उसके बाद हमें समझना है अभी, क्योंकि के की वैल्यू अभी है 0, उसके बाद के की वैल्यू जब 1 होगी तभी ये फॉर लूप चलेगा और हमारा प्रिंट क्या होना चाहिए, 1। तो देखते कि ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। तो नम इज इक्वल टू नम इंटू आई माइनस के अपॉन के प्लस 1। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे पेन ले लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा। तो नम इज इक्वल टू नम, नम की वैल्यू है 1 इंटू
आई माइनस के, आई हमारा है 1 माइनस के की वैल्यू है 0 अपॉन के, के की वैल्यू है 0 प्लस 1। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 1 आएगा, तो नम की वैल्यू होगी 1। उसके बाद वापस ये फॉर लूप चलेगा और हमारा जो है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, तो उसके बाद यहाँ पे ये 1 प्रिंट हो गया है और 1 के बाद वापस एक स्पेस प्रिंट होगा। उसके बाद अभी हमें नम इवेल्युएट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके बाद ये फॉर लूप चलने वाला है नहीं, क्योंकि के की वैल्यू 1 हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, और फिर ये फॉर लूप ख़त्म हो जाएगा और वापस नम की वैल्यू हो जाएगी 1। उसके बाद नेक्स्ट हम स्टेटमेंट में आएंगे जहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी 2। तो सिमिलरली मैंने यहाँ पे अपग्रेड कर दिया है और अब के बार जो होगा j इज़ लेस देन 0, j इज़ लेस देन 1, तो स्पेस सिर्फ एक ही बार प्रिंट होगा क्योंकि ये फॉर लूप एक ही बार चलेगा। तो एक स्पेस प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट कर दिया यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे जो डॉलर का सिंबल है दैट डिनोट्स स्पेसेस, नंबर ऑफ स्पेसेस। उसके बाद यहाँ पे ये फॉर लूप स्टार्ट होगा विद से सी आउट नम। तो सबसे पहली बार हमने 1 कर दिया, 1 के साथ एक स्पेस कर दिया क्योंकि नम के बाद यहाँ पे स्पेस भी लिखा हुआ है। उसके बाद अभी यहाँ पे समझते हैं अब नम की वैल्यू क्या होगी। अब नम की वैल्यू होनी चाहिए 2। यहाँ पे 2 प्रिंट होना चाहिए क्योंकि उसका अगला जो मेथड था, वो अगला जो रो में जो एलिमेंट्स आने थे वो थे 1, 2 और 1। उसके बाद देखते नम इज इक्वल टू नम इंटू नम की वैल्यू 1 ही थी, तो 1 इंटू आई, अब आई की वैल्यू हो चुकी है 2, यू कैन सी हियर। तो 2 माइनस के की वैल्यू अभी भी 0 है अपॉन के प्लस 1, के की वैल्यू अभी भी 0 है, के प्लस 1। तो अभी नम की वैल्यू हो जाएगी 2, यू कैन सी। तो मैं नम की वैल्यू भी अकॉर्डिंगली अपडेट कर देता हूं। तो नम की वैल्यू होगी 2, उसके बाद ये फॉर लूप हो जाएगा इंक्रीमेंट, फॉर के की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी और के की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 इज लेस देन 2 और अभी नम प्रिंट हो जाएगा। तो अभी नम की वैल्यू है 2, तो 2 प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा। अभी देखते वापस नम की वैल्यू क्या होती है, अब थोड़ा सा अभी विदाउट पेन समझेंगे। तो नम इज इक्वल टू 2 इंटू आई माइनस के, 2 माइनस 1, के की वैल्यू थी 1, 2 माइनस 1 1 होता है, अपॉन के की वैल्यू थी 1, 1 प्लस 1 2। तो ये नम की वैल्यू भी 2 है और यहाँ पे के प्लस 1 ये भी 2 आ रही है, सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और नम की वैल्यू हो जाएगी 1। और फिर 1 फिर ये फॉर लूप चलेगा, के की वैल्यू हो जाएगी 2 एज के इज लेस देन इक्वल टू 2। तो ये वापस फॉर लूप चलेगा और हमारा 1 और एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा। फिर हम सिंपली सी आउट इन ई एन डी एल कर देंगे, विच मीन्स गो टू नेक्स्ट लाइन। उसके बाद वापस नाम की वैल्यू 1 हो जाएगी और फिर यहाँ पे स्पेस एक भी प्रिंट नहीं होगा बिकॉज जे इज लेस देन 0। उसके बाद यहाँ पे सीधा हम फॉर लूप पे आएंगे और फॉर लूप में स्टार्टिंग में नम प्रिंट कर देंगे, उसके बाद स्पेस प्रिंट कर देंगे जो कि यहाँ पे प्रिंटेड है पहले से, क्योंकि नम की वैल्यू वापस 1 हो चुकी है। तो 1 के बाद एक स्पेस प्रिंट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे नम इज इक्वल टू नम इंटू आई माइनस के इंटू अपॉन के प्लस 1। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं, नम इज इक्वल टू 1, 1 इंटू आई माइनस के, आई की वैल्यू है 3 और के की वैल्यू 0, तो 3 अपॉन 0 प्लस 1, तो नम की वैल्यू हो जाएगी 3 और हमारा 3 और एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली उसके बाद भी तुम चेक करके देखो, 3 और स्पेस प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद एक 1 प्रिंट हो जाएगा, वो भी करके देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। और उसके बाद हमारा ये कोड खत्म हो जाएगा। नाउ यू कैन सी कि हमारा ये पूरा ऐसे ही पास्कल ट्रायंगल प्रिंट हो चुका है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और अगर बाय एनी चांस तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक जरूर करना। थैंक यू।